हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑन मोल कॉन्सेप्ट टू रिडॉक्स रिएक्शन और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। आज रिडॉक्स रिएक्शंस, लेट मी पुट इट लाइक दिस ओनली। अभी तक हम ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्लासिकल टर्म्स में, मॉडर्न टर्म्स में, दोनों अप्रोच हम देख चुके हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए वी हैड डिफाइंड समथिंग कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, वी हैव सीन हाउ टू कैलकुलेट दैट, है ना। और एक मोटा मोटी आइडिया हो चुका है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, है ना। उसके आगे की स्टोरी आज होगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लेते हैं आज इन क्वेश्चंस को ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन इन फर्स्ट एन एच फोर एन ओ थ्री इन सेकेंड एन एच फोर एन ओ टू, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इसमें एच है, एच का प्लस वन मानो और इसका माइनस टू मानो, तो कर लो कितना हो गया, टू इंटू एक्स का एक्स मान लो, तो टू इंटू एक्स प्लस फोर इंटू वन प्लस थ्री इंटू माइनस टू, और टोटल क्या है, ज़ीरो है, है ना। ये फर्स्ट के लिए है, कितना आएगा, टू एक्स प्लस फोर माइनस सिक्स इक्वस टू ज़ीरो, एक्स इक्वस टू वन आएगा, ठीक है, ये प्लस वन आएगा। दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि मैं कल भी बता चुका हूँ, किसी किसी कंपाउंड में जहाँ पर एक से ज़्यादा एटम होगा वहाँ पर उनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स डिफर कर सकते हैं। तो जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ वो दे आर दोज एग्जांपल्स जहाँ पे इनके इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हैं या जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं दे आर डिफरेंट। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। x प्लस वन, तो अगर मान लो हमें इसमें करना है तो हम कैसे देखना पड़ेगा, भाई ये कैसा है, NH4NO3 अगर मैं इसे तोड़ूँ तो कैसे टूटेगा ये NH4 प्लस प्लस NO3 माइनस। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितना हो जाएगा, x प्लस फोर इंटू प्लस वन इज इक्वल टू प्लस वन, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस थ्री आ रहा है यहाँ पे, तो ये भाई साहब माइनस थ्री वाले हो गए, ठीक। यहाँ इसको y मान लो तो क्या आएगा, y प्लस थ्री इंटू माइनस टू इक्वस टू माइनस वन, तो y इक्वस टू प्लस फाइव आएगा। तो यहाँ पर ये y जो है ये प्लस फाइव हो गया। तो तुम देख रहे हो दोनों का अलग अलग आया है, और अगर मैं इसका a o n निकालूँ तो दैट विल बी फाइव प्लस सॉरी फाइव माइनस थ्री अपॉन टोटल कितने हैं, टू, भाई चार्ज जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर है सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये प्लस बना रहा है। तो हालांकि जो ये है ये ऐसा नहीं है कि गलत है, ये इसका एवरेज एटॉमिक नंबर है, लेकिन इसमें ये जानना ज़रूरी है कि दोनों का प्लस वन नहीं है, एक का माइनस थ्री एक का प्लस फाइव है, ये ज़रूरी है, दैट्स व्हाट वी नीड टू बी क्लियर अबाउट, है ना। इसी तरीके से मैं अगर इसका करूँ सेकेंड वाले का, तो सेम टू एक्स प्लस फोर इंटू वन प्लस टू इंटू माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो x विल कम आउट टू बी ज़ीरो, ठीक है। x अगर ज़ीरो आ गया इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ज़ीरो में है और ये भी ज़ीरो में है, विच इज़ इनकरेक्ट, या हम कह सकते हैं ये एवरेज एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ये एवरेज एटॉमिक नंबर है। इंडिविजुअल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन वी विल हैव टू ब्रेक इट अप। तो ये कैसे टूटेगा, NH4 प्लस और NO2 माइनस में टूटेगा। NH4 प्लस के लिए क्या करोगे, इसको x मान लो, इसका क्या हो जाएगा, x प्लस फोर इंटू प्लस वन इक्वस टू प्लस वन, एक्स इक्वस टू माइनस थ्री। इसको y मान लो तो x इक्वस टू माइनस थ्री आ रहा है, y मान लो y इक्वस टू कितना आएगा, y प्लस टू इंटू माइनस टू इक्वस टू सॉरी माइनस वन, तो y इक्वस टू प्लस थ्री, ठीक है। तो यह प्लस थ्री आ गया, तो ये माइनस थ्री है प्लस थ्री है। अगेन अगर मैं इसका एवरेज एटॉमिक नंबर लूँगा और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर लूँगा ए ओ एन इस एक्स प्लस वाई वही माइनस थ्री प्लस थ्री अपॉन थ्री ओ थ्री नहीं टू इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से भी वही आ रहा है, अग्रीड, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि पता नहीं है कि जो आगे वो रिएक्ट करेगा उसमें उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से वो किस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो वी नीड टू हैव अ सर्टेन आइडिया अबाउट दी स्ट्रक्चर एज वेल एज दी बॉन्डिंग। तो इसी को एक जनरलाइज्ड फॉर्म में मैं इस क्वेश्चन के थ्रू दे रहा हूँ, ए इज डबल बॉन्ड बी, सी
डी, ठीक है, और ई, ठीक है, यही है ना। ओके, यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का जो सीरीज क्या कहते हैं ऑर्डर है वो है ए की सबसे ज़्यादा है, बी की उससे, फिर सी, फिर ई एंड देन डी, ठीक है। तो अगर देखो एक एक करके देखेंगे इन दोनों में, मैं इसको रेड पेन से कर लेता हूँ, थोड़ा ना कलरफुल होना चाहिए। देखो भाई, इसमें और इसमें कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज इस पर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, जितने बॉन्ड है, इस पर माइनस टू हो गया, इस पर कितना आना चाहिए, प्लस टू, क्यों, इस पर पॉजिटिव आएगा, दो बॉन्ड के इक्वल। अच्छा, अब इसमें और इसमें देखो, इसमें और इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये वाला है, है ना, और तो इस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, बॉन्ड कितने हैं, एक, तो इसमें माइनस वन आना चाहिए, इस पर प्लस वन आना चाहिए। आर वी क्लियर, ठीक है। सेम वे इसमें और इसमें देखो, सी और ई में भी ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सी और डी में भी ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर माइनस वन चार्ज है, इसके ऊपर प्लस वन चार्ज है, इसके ऊपर माइनस वन चार्ज होगा, मतलब इसकी वजह से माइनस वन चार्ज होगा, इसकी वजह से प्लस वन चार्ज होगा। तो अगर तुम देखो ए पे तो माइनस टू आ रहा है, बी पे प्लस टू माइनस वन इक्वल्स टू वन आ रहा है, या प्लस वन मान लो, ठीक है, और एक सेकंड रुको, एक मिनट, ही कितना है प्लस वन, कुछ गलती तो नहीं हो रहा है हमसे, बी है इसमें तो इसमें माइनस वन आना चाहिए, प्लस वन आना चाहिए, लेकिन माइनस वन, ठीक है, ओके, अच्छा, और सी में जो आएगा, सी में आएगा तुम्हारा माइनस वन, माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू माइनस वन, है ना, डी में आएगा प्लस वन और ई में आएगा प्लस वन। तो अगर तुम देखो नेगेटिव चार्ज टोटल कितना है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, माइनस टू प्लस माइनस थ्री, सॉरी माइनस वन, टोटल माइनस थ्री है, और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस वन, प्लस प्लस वन प्लस प्लस वन, तो कितना हो गया, प्लस थ्री। तो देख रहे हो कि टोटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर और टोटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, जीरो, विच इज द चार्ज ऑन द कंपाउंड, ठीक है, विच इज द चार्ज ऑन द कंपाउंड। आर वी क्लियर अबाउट दिस, सिंपल इनफ, यही है बस। तुम्हें क्या करना है, दो को देखो पहले, उन दोनों में ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको नेगेटिव चार्ज देना है, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव चार्ज देना है, और जितने बॉन्ड्स है उतना देना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो यहाँ माइनस टू आ गया, प्लस टू आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में इसके बेसिस पे जो आया था वो तो आ गया, अब इन दोनों के लिए अलग होगा, इन दोनों के बेसिस में सबको माइनस मिला, इसको प्लस मिला, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे प्लस टू है, माइनस वन, जो टोटल आएगा सबका सम होगा, गॉट दैट, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन, सिक्स मोल्स ऑफ सी एल टू, इसमें क्वेश्चन इज सिक्स मोल्स ऑफ Cl2 लूजेस 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन्स द सेम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन फाइनल कंपाउंड, ठीक है। तो 6 मोल है Cl2 के, 6 मोल्स ऑफ Cl2 है हमारे पास, ठीक, इसमें लूज भी 10 मोल कर रहा है और गेन भी 10 मोल कर रहा है। तुम कहोगे कि सर ये क्या चीज है, तो इसको ऐसा समझो कि कुछ पार्ट जो है इसमें 10 मोल लूज कर रहा होगा और कुछ पार्ट जो है इसमें 10 मोल गेन कर रहा होगा, इतना क्लियर है, अभी समझ में आया, होना हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। लेट से कि एक्स मोल्स जो है वो लूज कर रहे हैं, एक्स मोल लूज करने का मतलब क्या हुआ कि ये अगर एक्स मोल्स लूज करते हैं तो ये लूज करने का मतलब हुआ कि ये जीरो से उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, तो जीरो से जैसे 2x है, 2xCl है ना, यहाँ पर मान लो तुम्हारे पास प्लस A आ रही है, वी डू नॉट नो हाउ व्हाट इट इज, ठीक है, और इसमें साथ में इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो एक मोल या व्हाटएवर मोल्स दे आर,
10 मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसमें, आर वी क्लियर? ठीक है जी। दूसरा है कितने बचे अब, 6 माइनस एक्स मोल्स बचे ACl2 के, इसमें भी 10 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और फाइनल हमारे पास, अब देखो Cl का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो हमें ऑब्जर्व करनी है वो है कि Cl का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ठीक है। तो अगर Cl 0 से जाएगा नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं मतलब ऑक्सीडेशन नंबर नीचे जाएगा, रिडक्शन हो रहा है, तो अगर नीचे गया तो कितना नीचे जाएगा, -2 चला जाएगा क्या, या -3 चला जाएगा? नहीं, -1 जाएगा। तो यहाँ 0 से ये -1 ही जाएगा, तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे Cl -1 होगा, ठीक है जी। अच्छा, एटलीस्ट 2 × 6 − x × Cl माइनस में आएगा, इतना क्लियर है, आर भी क्लियर? तो ये अगर हम देखें तो एटम वाइज ये बैलेंस्ड है, एटम वाइज दोनों तरफ बैलेंस्ड है, आर भी क्लियर? ठीक है जी। तो यहाँ पर ये देखो कि चार्ज बैलेंस करते हैं इधर पे, यहाँ 0 चार्ज है, यहाँ कितना है -10 चार्ज है, यहाँ पर ये भी तो -10 ही होना चाहिए ना भाई, चार्ज ऐसे तो नहीं हो सकता कि इधर -10 हो और उधर पे +20 हो जाए या -20 हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, उधर भी उतना ही होना, तो चार्ज दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंसिंग द चार्ज ऐसे करके लिख सकते हो, बैलेंसिंग द चार्ज ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड में बैलेंस करो चार्ज, तो कितना आएगा 2 × 6 − x Cl। यहां पर ये भी 10 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि -10 यहां पर भी -10 है, इसमें एक चार्ज है तो ये 10 होना चाहिए, तो बोथ साइड्स, तो 2 × 6 − x = 10, ठीक है ना, ये भी 10 होना चाहिए, तो कितना आएगा ये 6 − x = 5, x = 6 − 1, तो x = 1 है, तो यहां पर ये 1 हो गया, 6 − 1 कितना हो गया 5 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 10 Cl, ठीक है, ये Cl है तो ये 2 Cl आ जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि ये 2 Cl आ गया है ना, तो टोटल चार्ज इस तरफ कितना है 0, इस तरफ कितना होगा फिर, इधर भी 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर -10 है तो ये टोटल चार्ज भी +10 होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं दैट 2A = 10, तो A = +5, तो इस पे जो ऑक्सीडेशन आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो फाइनल जो कंपाउंड्स बनेंगे वो दो कंपाउंड्स हो सकते हैं, हो सकता है एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा हो, लेकिन जितने भी बनेंगे चाहे एक बने चाहे दोनों बने, उसमें एक ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी और एक ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दीज क्वेश्चंस, गॉट इट? ठीक है, चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड, मतलब इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा कि हमने पहले क्या किया, हमने बेसिक लेवल पे जैसे हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से इक्वेशन लिख ली है ना, लॉजिक लगा के, बेसिक लॉजिक, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है ना, इनफैक्ट कोई इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें बेसिक लॉजिक है कि Cl तो अगर टूटा है तो वो 2 मतलब XCl2 टूटा है तो वो 2XCl में कुछ कन्वर्ट होगा और कुछ A प्लस चार्ज आ जाएगा इसमें। इलेक्ट्रॉन कितने लूज करें इस वाले ने, 10 किए हैं भाई, एक मोल ने 10 किए थे, सॉरी टोटल मोल्स में थे 10 लूज हुए हैं, 10 मोल्स, और बाकी जो बचे हुए थे उसमें 10 मोल गेन हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से तुमने इक्वेशंस लिखी, इनके चार्जेस को बैलेंस कर दिया, चार्जेस को बैलेंस किया तो तुम्हारा एक्स भी आ गया और ए भी आ गया, हो गया काम, ठीक है। चलो, अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन जो रिएक्शंस होती हैं, है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं उनका क्या मतलब हुआ कि किसी भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो, कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो उस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि वो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है। लेकिन क्या ये रिएक्शन एक कंप्लीट रिएक्शन हो सकती है? नहीं, दिस विल बी कॉल्ड अ हाफ रिएक्शन। तो मैं बताता हूं उसको, एग्जांपल लेते हैं जरा, ठीक है, एग्जाम्पल, यस वी हैव एन एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, जैसे इसके हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन
हाफ रिएक्शन एंड इसको OHR करके लिखेंगे एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन विच इज RHR, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो देखो, अगर मैं बात करता हूँ Al प्लस O2 गिव्स मी Al2O3, तो हम कह सकते हैं कि 4Al और 3O2 कंबाइन कर गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज़ीरो है, क्यों ये ज़ीरो, क्योंकि ये अपनी नेचुरल स्टेट में, फ्री स्टेट में, ये भी ज़ीरो होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ये भी नेचुरल स्टेट में है, फ्री स्टेट में है। तुम अगर देखो तो यहाँ पे तो -2 में आया है, ये +3 में आया है, है ना। तो अगर हम इसको दिखाना चाहें तो क्या हम इसे इस तरीके से दिखा सकते हैं तोड़ के, 4Al 0 गिव्स 4 या 2Al2 प्लस 6 का मतलब दोनों का मिला के प्लस 6 हो गया, प्लस कितना बचा रहती है 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3O2 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 ऑफ O3 माइनस 6, या -2 है और इनके 3 हो गए, ऑक्साइड ही है ना, ये ऑक्साइड है, ठीक है। या तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 हो गया और +3 मान लो इसको, ठीक है। तो अगर देखो 12 इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हुआ है, तो हम कह सकते हैं इसने ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन, तो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और जो ये रिएक्शन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग रिडक्शन, है ना। इस पूरी रिएक्शन का एक हाफ में, एक हाफ का ऑक्सीडेशन हुआ है और एक हाफ का रिडक्शन हुआ है ना। इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहेंगे, इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। दोनों में क्या चीज़ है कॉमन, कि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। देखो इसमें ये कंप्लीट इक्वेशन है, कंप्लीट इक्वेशन क्यों है या कंप्लीट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना कोई मेंशनिंग नहीं है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन की मेंशनिंग है, तो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है, तो ये हमेशा हाफ रिएक्शन, जहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा वहां पे हाफ रिएक्शन है, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमेशा ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा राइट साइड में आएंगे, इसके जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके ऑपोजिट साइड में आएंगे, ठीक, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसकी उसके सेम साइड में आएंगे, ठीक है, क्लियर होगी बात। ये दोनों चीजें लिख लो, ठीक, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए that half reaction which shows oxidation of an element, that half reaction which shows oxidation of an element and the electron release should be on the opposite side, yeah, right side likh lo seedhe seedhe, theek, reduction half reaction are those reactions, likho reduction half reactions are those reactions in which which represent the reduction of an element, which represent the reduction of an element and the electrons are represented on the left hand side, ठीक है। चलो जी, अब ऐसा करते हैं, एक एक करके कुछ examples लेते हैं। In general अगर तुम्हें इस reaction को देखना हो तो तुम इस तरीके से देख सकते हो हमेशा, कि अगर मान लो A है, एक oxidation हो रहा है, तो AX plus प्लस एक्स इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, और बी का अगर रिडक्शन हो रहा है तो हो सकता है इसमें वाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हों, और ये बी वाई माइनस आ जाए, तो एक ये जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग होगी। एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, एग्जांपल में हमारे पास है 1 मोल ऑफ H2S लूजेस 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ H2S लूजेस 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिटरमिन द फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है जी। तो 1 मोल ऑफ H2S लूजेस 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें नहीं पता कि कैसे क्या करना है, तो क्या करने का है, इसमें सिंपल लिख लो H2S है
और ये 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो हमें एस पे लेट से एक्स चार्ज आएगा और 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना। तो सबसे पहले ये देखो कि H2S में S कौन सी फॉर्म में है, सल्फाइड फॉर्म में, तो -2 आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, पहली चीज़। अच्छा, क्या ये S और ये S दोनों साइड पे नंबर ऑफ S एटम्स बैलेंस है कि नहीं है? यहाँ पे भी एक S है, यहाँ पे भी एक S है, कूल। अब इस एक S से इस एक S में जाना है ना, तो -2 से लेट से X में जा रहे हैं, -2 से X में जा रहे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन बेसिकली लूज करेंगे। तो अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाऊं S2- में से, तो क्या होगा, S1- में जाएगा या S- में जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन लूज करवाऊं तो S0 में जाएगा। तो अगर मुझे यहां से यहां जाना है और 8 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई -2 + x = 8, है ना। तो हम देख सकते हैं कि दैट x इज इक्वल टू +6, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। तो ये जो x है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, इतना क्लियर है पहली चीज। अच्छा, अगर तुमसे इस तरीके से ना पूछे, मान लो ये पूछे कि इनमें से किस में आ जाएगा ये, मतलब कौन सा प्रोबेबल प्रोडक्ट हो सकता है ये, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे इसमें, भाई इसमें भी +6 होती है, इसमें भी +6 होती है, इसमें भी अभी ने देखा +6 होती है, इसमें भी +6 होती है, तो ये चारों के चारों प्रोडक्ट्स प्रोबेबल हैं। बनेगा कौन सा वो अलग बात है, लेकिन जो तुमने कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से क्या चारों के चारों पॉसिबल हैं? यस दे आर, सो दे कैन बी आंसर्स, दे कैन बी टेकन एज आंसर्स, गॉट इट। चलो और कुछ एक क्वेश्चन करते जल्दी जल्दी से, फिर उसके बाद हम आगे की स्टोरी बताएंगे, है ना, ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में। चलो नेक्स्ट इज, 1 मोल ऑफ KMnO4 गेन्स 1 मोल ऑफ KMnO4 गेन्स, ठीक है, 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटर्मिन, मतलब फाइनल हमें बताना है फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ MN, ठीक है। तो हमें क्लियरली उसने बता दिया कि MN का ही ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो भी है वो हो रहा होगा। अब गेन बोला है तो मतलब रिडक्शन है, इतना क्लियर है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें KMnO4 अगर हम लिखते हैं तो ये क्या करेगा, जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में उससे कम आ जाएगा। जैसे इधर पे 5 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे क्या आएगा, ये के नहीं, इसको सीधे सीधे MN मान लो, Y है, Y आ गया इधर पे, MnY। अच्छा, सबसे पहले ये देखो कि ये क्या है, ये +1 में है और ये -2 में है, और हम इसके ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं कि +7 में आता है, है ना, ये हमें पता है कि +7 में आता है। क्योंकि ये +7 में आता है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो सिंपल सी बात है किस में जाएगा, +2 में, +7 से +2 में चला जाएगा ना। हम इसे अगर नहीं भी लिखना है तुम्हें ऐसे, तो तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो ताकि तुम्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो, आर वी क्लियर, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तो उसमें दिया है सिंपल सा कि 1 मोल 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। अगर वो कहता कि लेट से 3 मोल्स आर गेनिंग 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो तुम यहाँ पे 3 mn लिखते और तब 5 लिखते, तब फाइनल वाली स्टेज बताते, गॉट इट। तो हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से आएंगे नहीं, क्योंकि फ्रैक्शनल वाले नहीं पूछेगा, वो इस तरीके से पूछेगा ताकि कुछ एक्चुअल जो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है वही आए। जैसे अगर देखते हैं इसमें 2 मोल्स, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, 2 मोल्स ऑफ N2H4, N2H4 होता है हाइड्राजीन, अगर तुमको नहीं पता हो तो लिख लेना इसको, हाइड्राजीन, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखना हो तो ऐसा होता है NH2, ठीक है, लूजेस क्या है, हाँ लूजेस 20 मोल्स, लूजेस 20 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिटरमिन वही फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन,
ठीक है, तो कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे N2O4 लिख लो। अब इसके दो मोल हैं, सॉरी N2O4 नहीं, N2H4, इसके दो मोल्स हैं। इन्होंने क्या किया, N की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आगे मान लो X है, इसमें से 20 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इधर पे दो इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, तो तुमको यहाँ पर भी बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले ये काम करना ज़रूरी है। तो अगर तुम देख रहे हो कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 20 है, तो हम इसको सिंपलर फॉर्म में लेके आ सकते हैं, विच इज़ N2H4 NX प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक मोल जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दैट्स व्हाट इट मीन्स टू से, गुड। अच्छा, N2H4 में अगर हम देखें तो सिंपल है, इसमें इसको X, अगर इसको Y मानते हो तो 2 इंटू वाई प्लस 4 इंटू प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो Y इक्वल्स टू माइनस 2। तो यहाँ पे ये माइनस 2 में है, इतना क्लियर है। अगर ये माइनस 2 में है, यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, हाँ ये माइनस 2 में, देखो मैं बार बार यहाँ पे कैलकुलेट भी कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, हालांकि मैं मुझे पता है कि क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं चाहता हूँ कि तुम हर बार कैलकुलेट मत करो, एक बारी तो एक बारी 10 बारी भी ले लो, चलो तुम 20 बारी भी ले लो कि तुम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो, बट यू नीड टू बी वेरी क्विक एट इट, यू नीड टू बी एबल टू डू इट इन योर हेड, ठीक है। माइनस 2 से यहाँ पे आ रहा है, अच्छा यहाँ पर भी अगर, एक सेकंड रुको, ये तो 4 थे, सॉरी हमको 4 लिखना चाहिए था यहाँ पे, माई बैड, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो इधर से माइनस 2 से ये इसमें जा रहा है। तो अगर दो एटम्स हैं उसके लिए 10 हैं, तो हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि n माइनस 2 से n x में जा रहा है इन फॉर 5 इलेक्ट्रॉन्स बाय लाइक बाय लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, कैन वी से दिस, या डेफिनेटली वी कैन से दिस। तो माइनस 2 प्लस x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू, एक सेकेंड रुक जाओ, मैंने यहाँ पे भी कोई गलती करी क्या, अच्छा ये सॉरी माई बैड, x इक्वल्स टू 8 माइनस 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी x इक्वल्स टू 5 माइनस 2, ठीक है, x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तुम देखो ना, माइनस 2 से माइनस 1 एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, माइनस 1 से 0 एक इलेक्ट्रॉन और लूज करके, मतलब दो हो गए, 0 से प्लस 1 एक और इलेक्ट्रॉन, प्लस 1 से प्लस 2 एक और इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 से प्लस 3 एक और इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब माइनस 2 से प्लस 3 में जाएगा। आर वी क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगेन एग्जाम्पल क्या है, Na2S2O3, ठीक है, इसके बारे में कह रहा है ये कि 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 मोल्स ऑफ Na2S2O3 लूजेज ही है ना, लूजेज 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S बताना है। अब यहाँ पर देखो, S दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अब तुम क्या करोगे इस केस में, क्या दोनों को अलग अलग करके लोगे, नहीं, इसमें क्या करना है, तुम्हें जो एवरेज दिया है, जो इसका एक्चुअली में आती है एवरेज, वो यूज़ करते हुए काम करना है ना। तो अगर हम देखें, इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, Na2S2O3 है ना, कितना लूज करें ना इसने इलेक्ट्रॉन्स, एस क्यों 2 होंगे ना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, एक्स मान लो प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको S2 की जगह सिर्फ S लिख लूँ, और ये तो कितना है हमें भी नहीं पता, मैं इसका एवरेज वाला है जो दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या आया था, एक का आया था प्लस 6 और एक का आया था माइनस 2, प्लस 6 माइनस 2 बाई 2, तो 4 बाई 2 2 आया था, तो इसकी प्लस 2 आती है भाई, ठीक है। अच्छा, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे अगर दो के लिए 10 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो एक के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तो एक सेकंड रुको, वन मोल लिखा है ना, वन, अच्छा सॉरी 5 मोल्स था तभी मैं कहूँ, ये 5 मोल्स हैं, तो ये 5 की जगह यहाँ 10 होना चाहिए, ये 10 हो जाएगा। तो अगर तुम देखोगे 5 के लिए 10 हैं, तो एक S2 के लिए कितने हो जाएंगे, 2, और अगर तुम देखोगे ध्यान से तो इसको प्लस 2 कह लो और इसको SX कह लो, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ये, हाँ है ना। दोबारा से बोल रहा हूँ, 5 के लिए 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो
Na2S2, एक Na2S2O3 एक मोल के लिए दो मोल इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तो यही हमने यहाँ पे एक लिख लिया, ये 2 है यहाँ, जेड नहीं है। अब इसमें भी दो हैं, ये इसको एक करके लिख सकता हूँ मैं प्लस टू में, तो प्लस टू से एक्स में गया और मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो ये प्लस टू से किस में गया होगा फिर, प्लस थ्री में गया होगा, सिंपल है ना, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री, गॉट इट। तो फाइनल जो है तुम्हारा वो प्लस थ्री आ रहा है, तुम फाइनल इक्वेशन भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं, ये जेई में भी आएंगे डेफिनेटली, नीट में भी आ सकते हैं, नीट के लिए शायद हो सके होगा मे बी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, है ना, लेकिन आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गॉट इट। नाउ तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स की, कि ऐसे जैसे ना पहले लिख लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, OA एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स RA, ठीक है, यूँ समझो। जैसे एक एग्जांपल है कि जैसे LIC के एजेंट होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, तो तुम उनसे मिलो या वो तुमसे मिलो, एंड रिजल्ट क्या होगा कि तुम उनसे इंश्योरेंस खरीदोगे, ठीक है, नॉट डैट कि हमेशा ऐसे होता है, बट कभी ऐसा नहीं होगा तुम उनसे कुछ करवाओगे, रादर देन दे विल सेल यू। तो उसमें भी ऐसा ही है कि अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में तुम या कोई भी एलिमेंट या कोई चीज़ रिएक्ट सॉरी इंट्रैक्ट करती है तो वो हमेशा ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम है कि वो रिड्यूस करता है, सिंपल इसको इस तरह देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, रिड्यूसिंग एजेंट वो सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, पहले OA और RA करके मैं दोनों लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजेस द अदर एलिमेंट, है ना, दूसरे वाले को ये रिड्यूस कर देता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर ये ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या हुआ, उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए भाई, वो ऑक्सीडाइज हुआ मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए या इसने छीन लिए, विच एवर वे यू वॉन्ट टू से इट, बोलते ना लोगों ने कि तुम्हारी जेब काट ली या तुमने पैसे दे दिए, हैं, तो बोथ वेज आर ओके टू लुक एट इट। अगर किसी को तुमने पैसे दिए तो ये भी कहा जा सकता है कि उसने तुम्हारी जेब काटी है, और अगर ये भी कहा जा सकता है कि तुमने उसे अपने आप से पैसे दे दिए, अगर कोई तुम्हें ठग लेता है तो। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि उससे इलेक्ट्रॉन्स हमने ले लिए या उसने दे दिए, तो कहीं तो गए वो इलेक्ट्रॉन, किसके पास गए, इसके पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स तो गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है। ये क्या करेगा, एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा भाई, जब तक इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तब तक वो रिड्यूस होगा नहीं भाई, उसको रिड्यूस होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कौन देगा, तू ही तो देगा भाई, तभी तो तू रिड्यूसिंग एजेंट है। गेन्स ये हो जाएगा लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, जिसका मतलब क्या हुआ, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ठीक। अच्छा, जो रिड्यूस होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जो ऑक्सीडाइज होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आर वी क्लियर? अच्छा, रिड्यूस हो गया और ऑक्सीडाइज हो गया, नहीं हो गया तो ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, इट इज़ द एजेंट फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन लिखनी हो तो लिखो, इट इज़ द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है, दैट इज इट ऑलवेज ऑक्सीडाइजेज अदर्स, दैट इज ऑलवेज ऑक्सीडाइजेज अदर्स। सेम वे अगर तुम आर ए की बात करते हो रिड्यूसिंग एजेंट की, तो इट इज द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन, है ना, दैट इज इट विल ऑलवेज रिड्यूस अदर्स, है ना। अच्छा, इसको और तरीके भी हैं बोलने के, जैसे इसको ऑक्सीडेंट कहते हैं,
नाम से, ये चीज़ें तो समझा चुका हूँ, लिख सकते हो। इसको रिडक्टेंट कहते हैं, अगर रिड्यूसिंग एजेंट ना भी कह रहे हो तो रिडक्टेंट कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना कह रहे हो तो ऑक्सीडेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो हम इसे बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोनेशन हो रहा है। मैंने बताया था ना इलेक्ट्रोनेशन क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या हो रहा है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, तो आर वी क्लियर? ठीक, अच्छा, ये तो ऐसा है कि जब तुम्हारे पास कोई रिएक्शन हो रही हो, कोई रिएक्शन हो रही हो तो तुम कर सकते हो, जैसे मान लो वही Al2O3 वाला है, Al 4Al+3O2 गिव्स 2Al2O3। अगर तुम इसकी बात करो तो ये प्लस 3 है, ये माइनस 2 है, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 0 है। इसमें Al की अगर तुम बात करो, ठीक है, Al में क्या हो रहा है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ कहाँ पे हो रहा था, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या करेगा, दिस इज़ बिहेविंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 से -2 जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किस में करता है, ऑक्सीडाइज, तो दिस इज बिहेविंग लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल है, मतलब इस तरीके से देख सकते हो। हालांकि तुम बोलोगे सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्यों, जब हमें पता है कि ये रिड्यूस हो रहा, सॉरी ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसको इसमें एजेंट्स की बात कहाँ से आ गई। ऐसा होता है ना कि कई जगह पे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो मोस्टली सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे बिहेव करते हैं, कुछ मोस्टली सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि उनका उनकी टेंडेंसी ही ऐसी होती है। तो इट इज़ बेटर टू नो दोज, या इट इज़ बेटर टू नो अबाउट दोज, अबाउट देयर प्रॉपर्टीज़, so that whenever you see that in an equation या in a reaction, तो you are immediately, you know, ऐसा होना चाहिए कि अच्छा ये है तो ये तो भाई पक्के से oxidize होगा या ये पक्के से reduce करेगा, है ना, इस तरीके से, getting my point? तो ये चीज़ें तुमको clear होनी चाहिए, तो ये हमें जानना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ गया, reducing agent आ गया, okay, डी इलेक्ट्रोनेशन, ठीक, ये तो reaction थी। मान लो कि तुम्हें ये रिएक्शन नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कंपाउंड दे दिया, तब कैसे जानोगे, है ना, तो उसका भी एक तरीका है, उसको लिखो डिटर्मिनिंग द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर ऑफ कंपाउंड्स, डिटर्मिनिंग द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर ऑफ कंपाउंड्स, कैसे करोगे, देखो इसको इस तरीके से देखो, कोई भी एलिमेंट है अगर वो अपनी मैक्सिमम मैक्सॉन पे, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में है, और एक मिनिमम ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में है, और एक इंटरमीडिएट पे है, तो इनका बिहेवियर कैसा होगा, देखो जो मैक्सिमम पे है जैसे KMnO4, है ना, KMnO4, यहाँ पर देखिए +7 पे है, इतना आप हमें पता है कि ये +7 पे होता ही होता है, मतलब सॉरी +7 पे इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है खुद, अगर ये ऑक्सीडाइज होगा इसका मतलब उसका फर्दर इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि फर्दर इंक्रीज कर ही नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम, भाई +7 से ज्यादा नहीं हो सकती ना, तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता वो, अगर कभी रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हमेशा रिड्यूस होगा, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है हमेशा डिक्रीज ही करेगा, +7 से +6 चला जाए लेकिन डिक्रीज ही करेगा, इंक्रीज कभी नहीं करेगा, तो डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन्स खा लिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इलेक्ट्रॉन्स लेने का मतलब खुद रिड्यूस हो गया, तो सामने वाले को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लेगा, रिड्यूस होगा, तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे बिहेव करेगा। तो जब कोई भी कंपाउंड में कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, तो इट बिहेव्स ऑलवेज बिहेव्स लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर मिनिमम में हुआ, जैसे लेट्स से H2S है, ये 2- में है, तो सिंपल सी बात है ये -2 में है, तो ये हमेशा ही भाई -2 से कम नहीं जा सकता ना, -3 जा सकता है क्या, -3 जाने के लिए रिडक्शन होना पड़ेगा, लेकिन -3 जा ही नहीं सकता, तो रिडक्शन भी नहीं हो सकता, अगर रिडक्शन नहीं होगा तो हमेशा ऑक्सीडेशन ही तो होगा, -2 से -1 चला जाएगा, 0 चला जाएगा, व्हाटएवर, मतलब ऊपर चला जाएगा, तो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। अगर किसी का ऑक्सीडेशन हमेशा हो रहा है तो इट विल ऑलवेज बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट,
भाई इसका हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो दिस विल ऑलवेज बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। और जो इंटरमीडिएट में है, जैसे अगर मैं सल्फर की बात करूं, लेट से वो जीरो पे है, जीरो ऑक्सीडेशन है, S8 है, तो ये माइनस टू में भी जा सकता है और प्लस सिक्स तक भी जा सकता है ना। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है, इट हैज़ द एबिलिटी टू डू सो। ठीक है, क्लियर होगी बात, ये ध्यान रखना है। तो इसमें लिख लिया डिटर्मिनिंग, क्या लिखवाया था मैंने हेडिंग, डिटर्मिनिंग द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ कंपाउंड्स, है ना। इसमें लिखो, इफ इन अ कंपाउंड एन एलिमेंट इज इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इफ इन अ कंपाउंड एन एलिमेंट इज इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इट विल ऑलवेज गेट रिड्यूस्ड एंड हेंस बिहेव लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सेम चीज तुम्हें मिनिमम के लिए लिखनी है, जिसमें क्या होगा, इट विल ऑलवेज गेट ऑक्सीडाइज्ड हेंस विल बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, और जो इंटरमीडिएट में है ऐसे लिख सकते हो, इफ इन अ कंपाउंड एन एलिमेंट इज इन इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट इट कैन आइदर गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड हेंस इट कैन बिहेव लाइक बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। गॉट इट। ठीक है जी, इसमें कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं। सो आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये आइडेंटिफाई करना है इन सबका नेचर। ठीक है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, KMnO4, HNO3, Ki, H2S, PB3O4, H2O2, PbO2, K2Cr2O7। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना है इसमें। देखो इसमें हमें आइडेंटिफाई कर लेना है, ये अब तक तुम्हें हो जाना चाहिए कि इसकी प्लस सेवन होगी। HNO3 है, इसमें इसकी प्लस फाइव होगी, इसमें इसकी माइनस वन होगी। ठीक है, H2S है, इसकी माइनस टू होगी, सल्फाइड है ये। PB3O4 है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो निकाल लो कितनी आए, चार दूनी आठ, आठ बाई, तो ये प्लस 8/3 आएगी। ठीक है, इसमें माइनस वन होती है, इतना हमें कह, इसमें प्लस सिक्स होती है हमें पता है, ये प्लस फोर होगी। ठीक है, जितनों के मैंने उसमें लिखा है यही सारे तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेंगे, है ना। के अपना चेंज नहीं करेगा, ओ अपना चेंज नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी एन करेगा, के नीचे करेगा एच और ओ नहीं करेंगे, यहाँ पर भी एच नहीं करेगा, यहाँ पर भी ओ नहीं करेगा, यहाँ पर एच नहीं करेगा तो इसलिए ओ करेगा, और यहाँ पर भी वही के और ओ नहीं करेगा, यहाँ पर भी ओ नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कि हमारे कौन सा किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है और कितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर करंटली है, इतना क्लियर होगी बात। ठीक है जी, यहाँ पर अगर तुम देखो प्लस सेवन है ना, तो ये अपनी हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो डेफिनेटली दिस विल ऑलवेज बिहेव लाइक ओ ए नॉट ओ आर। ठीक है, ये भी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये भी ओ ए के जैसे बिहेव करेगा। ये आई की जो होती है वो माइनस वन से प्लस सेवन तक जा सकती है, तो ये भी सिर्फ ये मिनिमम में है अपनी, तो ये क्या हो जाएगा, आर ए। सेम वे इसकी अगर तुम बात करो तो ये भी मिनिमम में है तो ये भी आर ए के जैसे बिहेव करेगा। अच्छा, इसमें क्या है, पी बी जो होता है वो जीरो से लेकर प्लस फोर तक जा सकता है, और ये कितना है, 8/3। 8/3 का मतलब कितना हुआ, दो से तीन के बीच में है, इसका मतलब जीरो और फोर के तो बीच में हुआ ही ना, तो इंटरमीडिएट है, मतलब ये दोनों के दोनों जगह जा सकता है, दोनों जगह खेल सकता है, ओ ए आर ए। सेम वे अगर तुम ओ टू की बात करो तो कितने होती है, ये जीरो से या सॉरी प्लस टू से माइनस टू तक होता है, और ये है कितने में, प्लस टू के उल्टा, माइनस टू से प्लस टू तक होता है, ये कितने पे है, माइनस वन पे है ना, इसका मतलब ये भी इंटरमीडिएट हुआ, तो ओ ए टू आर ए, ओ ए आर ए दोनों होगा। ठीक है, तो और ये प्लस फोर है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये ओ ए होगा, इसमें भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ओ ए हो गया। ठीक है, सिमिलरली तुमसे पूछ सकता है भाई कि एच एन ओ टू है और एच एन ओ थ्री है,
यही चीज़ है, मतलब जो मैंने अभी बताई ना उसको बस रीइन्फोर्स करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन करते रहो। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक ऑक्सी एसिड है नाइट्रोजन का, ये भी एक ऑक्सी एसिड है, तो दिस बिहेव्स ऑलवेज बिहेव्स लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट दिस कैन बिहेव लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वाई, क्यों? क्योंकि भाई इसमें प्लस थ्री पे है, ये प्लस फाइव पे है, तो ये हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये मैक्सॉन पे है। अगर मैक्सॉन पे होगा तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा। और अगर तुम नाइट्रोजन को देखो तो नाइट्रोजन, सॉरी क्यों लिख रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन देखो तो ये प्लस, सॉरी माइनस थ्री से प्लस फाइव तक जाता है, तो प्लस फाइव तो हमारे यहाँ पे दिख रहा है तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। लेकिन क्योंकि ये माइनस थ्री और प्लस फाइव के बीच में, प्लस थ्री जो क्या है, इन दोनों के बीच में ही तो है, ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ओ ए आर ए आएगा। सेम वे अगर तुम एस ओ टू और एन ओ एस ओ थ्री के लिए लिखो, एस ओ टू और एस ओ थ्री के लिए, यहाँ पर भी तुम कह सकते हो कि दिस ओनली बिहेव्स लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस बिहेव्स बोथ लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो देख लो तुम ये, इसमें एस की अगर तुम बात करो तो एस माइनस टू से प्लस सिक्स तक जाता है, तो ये कितने हैं, ये प्लस सिक्स है, और यहाँ पे कितना है, ये प्लस फोर है, तो प्लस फोर जो है किसके बीच में है, इनके बीच में है ना, ये इंटरमीडिएट है, तो हो गया काम। ठीक है, तो दिस इज, दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट जो होंगे वो इस तरीके के होंगे अगर तुम्हें रिएक्शन पता है तो। अगर तुम्हें रिएक्शन नहीं पता और तुम्हें ऐसी देख के बताना है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो तुम ऐसे बता सकते हो, ये तुम्हारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में काम आएगा, मोस्टली इनऑर्गेनिक में काम आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट रिडॉक्स रिएक्शंस आर। तो भैया अगर हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस के बेसिस पे देखें अगर, तो रिएक्शन सिर्फ दो प्रकार की होती हैं, एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं और एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। मतलब वो रिएक्शंस, क्वेश्चन, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, ये पूरे चैप्टर में यहीं पे हम इसके साथ डील करेंगे। ठीक है, तो दो तरीके की क्वेश्चंस होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, एक कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शंस और दूसरी कहलाती हैं नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स का मतलब समझो पहले, रेड ऑक्स, लाल बैल, ठीक है, लाल सांड नहीं, बैल, लाल बैल, तो लाल बैल मतलब रिडक्शन है ये, रेड मतलब रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये पहली बात। ठीक है, तो ये लाल बैल रिएक्शंस जो हैं इनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, और जो नॉन रिड्यूस रिडॉक्स रिएक्शंस हैं उसमें ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा। ठीक है, तो रिएक्शंस को अगर हम देखें तो इन दो प्रकार में, तो या तो वो रिएक्शन होंगी जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा साथ साथ, और एक कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन हमेशा होगा, है ना, और अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रिडक्शन भी नहीं होगा, इसको इस तरीके समझो। ठीक, तो जो रिएक्शंस हम बात कर रहे हैं वो वाली रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो लिखो रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर इन्वॉल्व, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर इन्वॉल्व। ठीक है, बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर इन्वॉल्व, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, तो लिखो दे इन्वॉल्व ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे इन्वॉल्व ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। और जिसमें तीसरा पॉइंट है वो ये है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा ही होगा, एटलीस्ट एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा ही होगा। ये एटलीस्ट एक जो है वो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताऊंगा, लेकिन दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक का तो होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो लिखो एंड एटलीस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटलीस्ट, एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट विल चेंज इट्स विल चेंज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन एलिमेंट विल चेंज। ठीक है, अच्छा तो इसमें नोट करके लिख लेना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, आइदर बोथ विल टेक प्लेस और नन विल टेक प्लेस, आइदर बोथ विल टेक प्लेस और नन विल टेक प्लेस। ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है, सिंपल पता चल रहा है कि एक रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो दोनों हाफ्स होंगे इसमें, एग्जाम्पल के तौर पर दोनों हाफ्स होंगे। जैसे ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो लेट्स से ऐसा कुछ ऑक्सीडेशन हो रहा है,
ठीक है ना, और रिडक्शन हो रहा है, तो लेट से ऐसा कोई रिडक्शन हो रहा है ना, यही तो है पॉसिबिलिटी। तो ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो उसको दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, OHR से, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसे RHR से दिखाएंगे। तो तुम ये भी लिख सकते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शंस आर, रिडॉक्स रिएक्शंस आर कंपोज्ड ऑफ, रिडॉक्स रिएक्शंस आर कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हाफ रिएक्शंस, OHR एंड RHR, ठीक है जी, कूल cool. अच्छा, और एक और चीज लिखनी है कि जो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है वो जीरो दिखना चाहिए। देखो कैसे, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, अभी हमें इस तरीके से इसे ऐड करना है कि नेट इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाए, मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन और यहाँ जो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन है दोनों इक्वल होने चाहिए। क्या ये इक्वल है? अगर x और y इक्वल है तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर x y इक्वल नहीं है तो एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ, तुम इसको पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस पूरी इक्वेशन को तुम x से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या जाएगा, x into y इलेक्ट्रॉन्स, एक्स वाई इलेक्ट्रॉन्स, ये x into y एक्स वाई इलेक्ट्रॉन्स, एक्स वाई इलेक्ट्रॉन्स इधर, एक्स वाई इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो अगर तुम इसे ऐड करोगे तो क्या आएगा, वाई ए प्लस एक्स बी गिव्स वाई ए एक्स प्लस प्लस एक्स बी वाई माइनस, ठीक है। तो ये एक जनरल इक्वेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे, तो फाइनल जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन्स अपीयर नहीं करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स नेवर अपीयर इन दी फाइनल रिएक्शन, गॉट इट। तो ये बेसिक हो गया तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शंस का। अब इसमें एक पर्टिकुलर टाइप आता है जिसको हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। तो जो मैं उस वक्त कह रहा था ना तुमको कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा अगर रिडॉक्स रिएक्शन हुई तो, है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन में जनरली तुम देख रहे हो कि यहाँ पे दो का चेंज हुआ, यहाँ जीरो से प्लस एक्स गया और यहाँ जीरो से माइनस वाई गया, तो दो एलिमेंट का रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में ऐसा हो कि एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो तुम देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट की ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, हाँ है ना। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो उसमें लिखो हेडिंग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना, ब्रैकेट में लिख लेना स्पेशल केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो स्पेशल केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है। इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, रिएक्शंस इन विच ओनली वन एलिमेंट अंडरगोज बोथ, ओनली वन एलिमेंट अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन इज कॉल्ड अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेम एक ही एलिमेंट होगा जो कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के अंडरगो जाएगा, इसमें दोनों काम होंगे, ठीक है। इसको काइंड ऑफ लिखने के दूसरे तरीके भी हैं, वो चीज़ें भी लिखवा देता हूँ। जैसे इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, तो लिखो इन सच रिएक्शंस, या ऐसे डैश डैश करके लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओनली वन एलिमेंट चेंजेस, ठीक है। और हम ये लिख सकते हैं एक ही का चेंज होगा तो तीन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जाएगा, बता रहा हूँ, वन एलिमेंट गोज इंटू थ्री, लाइक एग्जिस्ट, नॉट गोज इंटू नहीं कहना चाहिए, एग्जिस्ट्स इन थ्री डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तीन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होगा। और तुम कह सकते हो सेम एलिमेंट बिहेव्स बोथ एज ओ ए एंड आर ए, ओ ए आर ए दोनों में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, इट विल बिहेव बोथ लाइक देम, गॉट इट। तो ये जरूर याद रखना है कि इट इज प्रेजेंट इन वन एलिमेंट एग्जिस्ट या प्रेजेंट इन थ्री डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये डेफिनेशन लिख ली, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत
ऑफन यूज्ड एग्जांपल है, जिसमें अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, 2H2O प्लस O2। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे किसमें है, माइनस वन में, यहाँ किसमें है, ओ माइनस टू में, और यहाँ जीरो में है। तो ऑक्सीजन ही तो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है ना, हाइड्रोजन तो प्लस वन में है, प्लस वन में हाइड्रोजन का कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस भी हो रहा है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो ये माइनस वन से माइनस टू गया और माइनस वन से ही जीरो गया, तो माइनस वन से माइनस टू गया तो हम कह सकते हैं कि ये रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन। तो यहाँ पर ये कैसे बिहेव करेगा वो भी देख लेंगे। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है तो इट विल बिहेव लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा था इट विल बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जो एक एक करके देख लेता है, सबसे पहला था कि जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा हो, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग भी हुई, पहली डेफिनेशन जो थी। उसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स देखे, ओनली ओ एन ऑफ ओनली वन एलिमेंट चेंजेस, सिर्फ ओ का ही तो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये भी पास है भाई। वन एलिमेंट एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, माइनस वन, माइनस टू, जीरो, तीन ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, कूल, ठीक। सेम एलिमेंट बिहेव्स देख रहा है साथ में, यही ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे बिहेव कर रहा है और यही रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे बिहेव कर रहा है। अब देखो इसमें, इसके बेसिस पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ दिखाता हूँ, एक एलिमेंट तीन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तो क्या फ्लोरीन का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है? नो, क्यों? फ्लोरीन की या तो जीरो होती है या माइनस वन होती है, दो के अलावा और कोई है ही नहीं, तो तीसरी जब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो तीसरी डिस्प्रोपोर्शनेशन होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो ये चीज़ तुम लिख सकते हो, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, लिखो लो। अच्छा, इसमें कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक्स टू की बात करो, अगर तुम, ये सेकंड एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल ये मोस्ट ऑफन यूज्ड है, और ये है अगर मान लो ना, एक सेकंड रुको, अगर ये कोल्ड प्लस डाइल्यूट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस प्लस ओ एक्स माइनस में जाएगा। अगर यही हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये x माइनस प्लस एक्स ओ थ्री माइनस में जाता है, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें इसमें x2 किस में है भाई, अगर O और H की बात करें तो इनका तो कुछ नहीं हो रहा, X की बात करें तो ये जीरो था, यहाँ किस में आ गया, माइनस वन में, यहाँ किस में आ गया, माइनस प्लस वन में, तो जीरो माइनस वन प्लस वन, तो डेफिनेटली X का क्या हो रहा है, X का क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। और X जो है यहाँ पर Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सेम देखो, जब ये हॉट होगा तो यही चीज़ इसमें कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पर ये जीरो पे है, यहाँ माइनस वन पे है और यहाँ प्लस फाइव पे है, ध्यान से देखो, निकाल लेना इसको, प्लस फाइव आएगा, ठीक है। तो आर वी क्लियर, ठीक है, क्लियर, ओके। अनदर एग्जांपल पी फोर का, ठीक है, यार तो हो गया पी फोर एंड एस एट। अगर मैं पी फोर की बात करूं प्लस ओ एच माइनस की बात करूं, इसमें कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि हॉट है या कोल्ड है, ठीक है, या एस एट की बात करूं ओ एच माइनस के साथ में, ठीक है, तो ये बेसिकली पी एच थ्री में चेंज होता है और साथ में एच टू पी ओ टू माइनस, एच टू पी ओ टू माइनस में कन्वर्ट होता है, और ये एस टू माइनस से प्लस एस टू ओ थ्री, एस टू ओ थ्री, ये याद रखना पड़ेगा बेटा, टू माइनस है ना, ये याद रखना पड़ेगा भाई, ये हाइपो होता है, जो एन ए टू एस टू ओ थ्री होता है ना उसका। यहाँ पर ये जीरो पे है, इधर कितना है, एच प्लस वन, प्लस वन है, तो यहाँ माइनस थ्री पे है, यहाँ पर ये रिडक्शन हुआ है बेसिकली, ठीक है। मैं बार बार अधिक का लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाओ ना, अब तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि अगर तुम देखो इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ये प्लस वन में ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। और अगर तुम इसकी बात करो, ये जीरो है, ये तो माइनस टू में सिंपल दिख ही रहा है, और जो ये वाला है, दिस इज
S2 Na2 S2 O3, ये प्लस 6 माइनस 2, ये प्लस 2 में है, तो तुम देख रहे हो 0 से माइनस 2 और 0 से प्लस 2 जा रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गए, गॉट इट। चलो एक लास्ट चीज़ है वो लिख लो, अगर एक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें भाई, इन सब में कौन सा ऑक्सीडेशन सॉरी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं दिखाएगा, कौन सा वाला इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं दिखाएगा। यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये प्लस वन में है, यहाँ प्लस टू थ्री में है, यहाँ प्लस फाइव में है और यहाँ प्लस सेवन में है। तो अगर हम देखें सी एल को, तो सी एल माइनस वन से प्लस सेवन तक एग्जिस्ट करता है, तो अगर इस पे हुआ तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा, और इस पे हुआ तो सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन होगा, है ना। इसके बीच में कहीं भी हुआ तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकता है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दे सकता है, तो इसमें सी एल दोनों दे सकता है, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है, इसमें भी ऐसा है इसमें भी ऐसा है। लेकिन ये भाई साहब एक्सट्रीम पे एंड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन ही दे सकता है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा इसका। तो अगर किसी का एक चीज़ हो सकती है दूसरी नहीं हो सकती, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं दे सकता, जैसे मैंने फ्लोरीन के बारे में बताया, गॉट इट। तो ये चीज़ लिख सकते हो, इफ़ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, देन दैट कंपाउंड विल नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, then that compound will not undergo disproportionation reaction. Hope you understood everything that I taught you today. और देखो इसको जब तक questions नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा भाई, अच्छे से question करो, ठीक। And anybody who has learned something new from here today, जिसके कुछ doubts clear हुए हों, जिसको अच्छा लगा हो, अच्छे समझ में आया हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट डालो, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, लव यू सर, है ना, इस तरीके से। और क्या कहते हैं, अपने दोस्तों को भी बोलो यार, है ना, शेयर करो उनके साथ में, ठीक। जब अच्छी मूवी देखते हो, है ना, या अच्छी सीरीज़ देखते हो, तो क्या करते हो, दोस्तों को बताते हो ना, अरे भाई बढ़िया, तो वैसे ही बताओ ना, इफ़ यू लाइक इट शेयर इट, ठीक है। इन केस यू देर इज़ सम डाउट विच यू माइट नॉट हैव लाइक्ड, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो इस में तुम्हें सही ना लगी हो या समझ में ना आई हो, उसको लिख दो नीचे, ठीक है, सो दैट यू कैन आई कैन टेक अ लुक एट इट एंड विल टॉक अबाउट इट, विल सी, मतलब मैं उसमें वहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, या फिर तुम मुझे कनेक्ट भी कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।